नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बजट बनाना सिखाएंगे। देखो, बजट क्या है? एस्टिमेशन है अपनी इनकम्स का और अपने खर्चों का। आप जो जो खाते हो उसको पहले एस्टिमेट कर लो, तो उसको हम बजट कहते हैं कि इस काम के लिए इतना खर्चा है, इस काम के लिए इतना खर्चा है। ठीक है, ये हमारा बजट होता है। अब देखो, मैंने अपना फैमिली बजट बनाया है। ये है फूड, फूड के लिए कितना पैसा लगेंगे? 3,000। तो इसको मैंने इस डब्बे में रख दिया कि भैया 100 रुपये ही मैंने फूड के लिए खाना है। तो ये मेरा एस्टिमेशन हो गया, एस्टिमेशन को आपने कवर कर लिया कि ये मैंने खाना ही खाना है। अब आप देखेंगे कि भैया ये है मिल्क, मिल्क के मेरे हैं 1500 रुपये, तो 1500 का मैंने मिल्क पीना है। ये एस्टिमेशन किया कि भैया मैंने 1500 से ज़्यादा नहीं खाना, तो क्या होंगे आपके खर्चे कम हो जाएंगे। ये आपका एक बजट है। अब एक और बजट देखते हैं हम। ये आपका बजट है फ्रूट का। तकरीबन मैंने फ्रूट्स के ऊपर 1500 का बजट रखा हुआ है कि इस बजट में से 1500 का ही मैंने यूज़ करना है। नहीं, 1200 है, 1200 का, उससे ज़्यादा फ्रूट नहीं खाना। ठीक, हो सकता है 300 का खा गया हूँ। ओके, अब ये खास बजट है बिल्डिंग डेप्रिसिएशन। आप ये कहोगे कि बिल्डिंग डेप्रिसिएशन एक बजट का हिस्सा है? मैं कहूँगा हाँ, ये एक बजट का हिस्सा है। कैसे? देखो, डेप्रिसिएशन होता है घसावट। मेरी बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 9,60,000 है, तो उसका 5% उसका डेप्रिसिएशन होगा। तो मेरा जितना प्रॉफिट है उसमें से इनकम है उसको घटा दो उसका खर्चा, हर साल इस डब्बे में डालो, कुछ पैसे इसमें डालेंगे हर साल, हर महीने 4,000 इसमें डलता जाएगा। ये 4,000 डाल दिया, ये 4,000 डाल दिया, ये 4,000 डाल दिया। मान लो कि 10 साल बाद बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो क्या है, इस डब्बे में 9,60,000 हो जाएंगे इकट्ठे, तो उससे मैंने एक और बिल्डिंग बना लेनी है। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो ये पैसा इकट्ठा होता है, डेप्रिसिएशन जितना जितना होता है इसका, मैंने बना दिया डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन। ये समय पैसा तो गया नहीं कहीं भी, एक फंड इकट्ठा हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आप समझ लो कि ना बजट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसे इम्प्लाइज का फंड हो वो उसमें डाल दो, ठीक है, ऐसे ही कुछ अन्य खर्चे हो, पेट्रोल का खर्चा हो वो एक डब्बा बना लो उसमें डाल दो, ऐसे अलग अलग डब्बे बना लो उसमें पैसे डालते जाओ हर एक काम का। मान लो एक बंदा आपके पास आ जाता है, वो कहता है कि भैया ये काम करना है, तो उसका बजट में प्रोविजन बनाओ। मान लो रिफ्रेशमेंट में आपके 2,000 लगे हुए हैं, उसको कम कर दो, उसको 2,000 से 1,000 कर दो, उससे आप एक नई मशीन खरीद लो। जैसे आज मैंने एक ड्रिल मशीन खरीदी है जिसकी 2,000 कीमत है। ऐसे ही एक बजट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में हम चले जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।